नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आज बुलंदशहर के ज़िले में डिवाई तहसील में यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई है और उन्होंने विभिन्न मांगें रखी हैं। तो आप जो यहाँ पर किसानों की जो मांग को लेकर यहाँ पर मीटिंग हुई है, तो आप उन किसानों की जो समस्याओं को लेकर उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे आश्वस्त करना चाहते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज मीटिंग हुई? देखिए, आज तहसील डिवाई परिसर में हमारे किसान भाइयों द्वारा, जिनके जिला पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे, उन लोगों द्वारा किसानों की जो सामूहिक समस्याएं हैं उसको लेकर के एक मीटिंग, एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित थे। उप जिलाधिकारी डिबाई भी उपस्थित थी, मैं भी उपस्थित था, हमारे थाने के प्रभारी भी उपस्थित थे, बिजली विभाग से लोग थे, सिंचाई विभाग से थे, चिकित्सा शिक्षा विभाग से थे। सभी विभागों के लोगों ने अपनी जो भी समस्याएं किसानों द्वारा बताई गई हैं उनका एक निश्चित समय अंतराल पे उनके समाधान का उन्होंने आश्वासन किया है। और हम लोगों ने अपनी तरफ से भी किसान भाइयों को बताया है कि व्यक्तिगत रूप से भी अपनी समस्याओं को बताएं, हम लोगों द्वारा अवश्य ही उसका समाधान किया जाएगा। जैसे सर, बिजली को लेकर के और आवारा पशुओं को लेकर के और बिजली कनेक्शन को लेकर के भी क्षेत्र में किसानों को समस्या हो रही है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? उस संबंध में जो किसानों की समस्याएँ थी वो अवगत करा दी गई हैं और संबंधित विभागों को बताया भी जा चुका है, समय रहते उसका निस्तारण अवश्य ही करा दिया जाएगा। सर, आगे से आपको लगता है कि जो क्षेत्र में जो समस्या हो रही है उनसे उनको लेकर के किसान काफ़ी परेशान है, तो आप सर उनको आश्वस्त ये करना चाहते हैं कि ये जो आने वाले समय में ये समस्याएं ना उत्पन्न हो और जल्दी से जल्दी उनका निवारण हो? बिल्कुल, मैं ज़रूर आश्वस्त करूंगा, साथ ही मैं किसान भाइयों से अपील भी करूंगा कि हमारे पुलिस विभाग से संबंधित यदि उन्हें समस्या कोई किसी प्रकार की है तो व्यक्तिगत रूप से भी जनसुनवाई के समय या मेरे CUG नंबर पर फ़ोन करके उसे अवगत करा सकते हैं और समस्या की जानकारी होने पर उसका यथोचित समाधान जरूर कराया जाएगा।